गाइज आर डूइंग रियली वेल। और आज हम आए हैं ताजमहल कह रहा हूँ, लाल किला आए हैं, जहाँ पर हम जाएंगे चावड़ी बाज़ार। और चावड़ी बाज़ार में हम खाएंगे जो वहाँ का टिपिकल ब्रेकफास्ट होता है। और मेरे साथ है यहाँ पर प्रिंस। आई बोल, हाँ ये प्रिंस है पागल सा, है ना। और तो अभी जाएंगे हम, अभी हम थोड़ा सा ये लाल किला घूम रहे हैं, तो आपको मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ लाल किले का। कैसा लगा आपको ये लाल किला? आपने देखा नहीं होगा तो अब देख लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो इधर, ये जो है मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से अभी हम जाएंगे जस्ट, उसके बाद घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन। और अभी हम इसी मेट्रो स्टेशन से आए हैं। जो अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये है लाल किला का मेट्रो स्टेशन है जस्ट, इसके जस्ट पीछे आप जैसे ही यहाँ पर आओगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर सीधा ये लाल किला दिख जाएगा। जो उसका फ्रंट, जो यहाँ पर जितनी भी सभाएँ वगैरह होती हैं वो सब इसी यहीं पर होती हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से आ सकते हो, या फिर आप DTC बस से भी आ सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगी दिल्ली में कहीं भी, क्योंकि ये ऑल ओवर दिल्ली चलती है। और मेट्रो आपको मैंने बता ही दिया है पीछे। तो सीधा हम जाते हैं अपने जो हमारा मेन जगह है, वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर एड्रेस समझाऊँ तो ये जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 का जस्ट पीछे वाला रोड है। तो ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पर ये श्याम स्वीट्स आपको यहीं से दिख जाएगा। तो ये श्याम स्वीट्स है। तो अब हम सीधा दुकान में चलते हैं और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पता लगाते हैं दुकान कितनी पुरानी है, क्या मिलता है, किस चीज़ के लिए फेमस है, एंड ऑल दिस थिंग। ये सब हम यहाँ के ओनर से पता लगाएंगे। तो चलिए ओनर से बात करते हैं। वैसे हमारी मटर की कचौरी की ये आज खास बनी हुई है, बाकी हमारी दुकान पे बेड़मी नाश्ते का बड़ा वो अच्छा वो रहता है, लोगों को पसंद आती है। हमारी दुकान 1910 से है और वही रेसिपी इस्तेमाल होती है। आज भी छने हुए पानी का इस्तेमाल होता है। मसाले अपने खुद पिसवाते हैं, अपने आप खुद करवाते हैं साफ़ करवा के। बाकी हमारी दुकान श्याम स्वीट्स के नाम से है और 112 चौड़ी बाज़ार, इसके लिए मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है चौड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से। नई सड़क हमारे सामने से शुरू होती है, मतलब एक दिल में बैठे हुए हैं चावड़ी यार के। प्राइसेस कुछ इस तरह से हैं, ये नागौरी हलवा 60 रुपीज़, देसी बेदमी ये 50 रुपीज़, मटर कचौड़ी 40, दाल कचौड़ी 30, आलू समोसा 30, मटर समोसा 30, गोभी समोसा 30, अराउंड 50-60 के अराउंड में सब सारे यहाँ पे प्राइसेस हैं। गुलाब जामुन 40, लस्सी भी है यहाँ पर, और फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह सब कुछ मिलेगा। और गाजर का हलवा ये सब सीजनल है, जो कि आपको सर्दी में मिलेंगे या फिर जब सीज़न होता है इनका तब मिलेंगे। सो इस जगह से यहाँ पर से हमको पिकअप करना होता है, जो भी हमारा सामान होता है वो सब यहाँ से होता है। मैंने यहाँ से कचौरी ली थी तो यहाँ से पिकअप होता है, आपकी बेदमी वगैरह सब इनसे मिलेगा। तो दोस्तों खाना हमने यहाँ पर ले लिया था। यहाँ पर हमें जो खाना था नागौरी हलवा और पूरी जो वो की हमें मिला नहीं था, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आज तो संडे भी था जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। तो हमें यहाँ पर कचौरी मिली है, कचौरी में यहाँ पर ये मटर कचौरी मिली है और साथ ही में दाल कचौरी। मैंने यहाँ पर मटर कचौरी को ट्राई कराया है। तो ये जो मटर कचौरी है इसमें फुल ऑफ ये मटर से, ड्राई फ्रूट से और साथ ही में जो मसाले होते हैं उनसे भरी हुई थी। और ये बिल्कुल प्लेन सी ये कचौरी थी, जो कि दाल कचौरी थी। ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं आई थी बाद में जब मैंने इसको खाया था, लेकिन मेरे को मटर कचौरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और आपको भी अच्छी लगेगी डेफिनेटली। ये सब्ज़ी है, इसमें ये कद्दू डाला हुआ है और साथ ही में जो ग्रेवी है बिल्कुल आलू की जो सब्ज़ी होती है उसकी ग्रेवी है, जो कि मैंने आपसे पहले नहीं खाई थी कभी भी। तो इस दोनों को खा के मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। और जो मसाले थे वो काफ़ी सेटल्ड थे, जो कि उन्होंने बताया भी कि ये जो मसाले सारे होते हैं वो खुद पिसवाते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, साफ़ भी करवाते हैं। तो उसका काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छा टेस्ट आ रहा था। जो नॉर्मली हम कचौरी खाते हैं उसमें पतली सी सब्ज़ी होती है, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप जब इसको खाओगे तो आपको लगेगा कि जो सब्ज़ी है मैं उसको भी अलग से खा सकते हैं। और
तो अगर रिव्यू की बात करें जो कचौरी की, तो वो डेफिनेटली 5 out of 5 है, ये बेस्ट कचौरीज हैं अगर आप खाना चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश बन रही हैं। आप आपको मैंने दिखाया यहाँ पर जहाँ पर ये बन रही थी, जो यहाँ के वो कर्मचारी हैं जितने भी यहाँ पर, वो भी काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये गुलाब जामुन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन जो कचौड़ी थी वो यहाँ की बेस्ट थी। लेकिन अगली बार आएंगे तो ज़रूर से नागौरी हलवा और पूरी दोनों खा के जाएंगे। अगला खा के दिखाते हैं। बेहतरीन भाई, बहुत एक कचौड़ी बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे, अच्छी। अल कचौड़ी एक बार चेक कर लेते हैं। न्यू ये अच्छी इस कचौड़ी का जो अंदर मूंग दाल का टेस्ट है, वैसे बताओ वैसे बेहतरीन भाई, क्या बोले। गुलाब जामुन देख लेते हैं। ये सबसे बेस्ट है, ये चीज़ बेस्ट सारे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ अच्छा लगा। सो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर मिठाई भी लेनी हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है मिठाइयों की भी। यहाँ पर A to Z मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी, जो कि आपने पहले खाई होंगी और कई तो आपने कभी खाई भी नहीं होंगी। जो ऐसी ऐसी मिठाइयाँ यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगी, ये सब यहाँ पर लड्डू हैं, गुलाब जामुन हैं, और कई ऐसी मिठाइयाँ जो सिर्फ ओल्ड दिल्ली में मिलती हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाएंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर मिठाई भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये सोन हलवा भी है, जो कि 660 रुपये पर kg है। सारी मिठाई जो है यहाँ पर देसी घी में बनाई जाती है, यहाँ पर कोई रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं किया जाता है, मैंने पता लगाया था इस चीज़ के बारे में। तो और यहाँ पर जो कारीगर है वो बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल अच्छा से एक्सपीरियंस है किस तरह से क्या बनाना है। तो आप चाहो तो यहाँ से मिठाइयाँ ट्राई कर सकते हो, प्राइस रीज़नेबल है अगर आप क्वालिटी देखो तो। और सारे प्राइजेस में आप यहाँ पर दिख जाएंगे, और या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आगे डाल दूंगा। तो अगर चाहो तो आप मिठाई भी ले सकते हो, और ब्रेकफास्ट तो यहाँ पर है ही अच्छा, जो मैंने आपको बता दिया है। तो रिव्यू कुछ इस हिसाब से हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख गया होगा। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, और अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको आगे इंप्रूव कर सकूं। और ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बगल में आपको साइड में जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख गया होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप सीधा वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाओगे। और चाहो तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली कॉन्टेंट डालता हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय।